हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आशुतोष राणा, और आज फिर से आपके इस बेहतरीन सा चैनल पे एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से इवेंट होते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का, लाइट फेज और डार्क फेज, जो कि बच्चे ने काफी पसंद किया था। तो आज ये जो टॉपिक है इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वैसे बच्चे जो एनसीईआरटी लवर हैं, जो एनसीईआरटी बहुत ही पसंद करते हैं, जो लाइन बाय लाइन उसे रीड करते हैं, उसमें इसका जिक्र किया गया है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से इवेंट होते हैं। किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर ये बहुत ही हार्ड हमें लग रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान। आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या होता है, तीन इवेंट होते हैं। सिंपल है, आप कह सकते हो कि देयर आर थ्री इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला इवेंट क्या है इसमें, तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है कि सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय, आप क्या लिखोगे, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द, क्या लिखोगे, क्लोरोफिल। बहुत ही आसान है, सिंपल, लेकिन समझना है, सिंपल तो है। तो देखना यहां पे, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, तो ये पहला इवेंट है फोटोसिंथेसिस का कि सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये इवेंट जो है, सबसे पहला इवेंट जो है फोटोसिंथेसिस का, ये एलपी में होता है। ये एलपी क्या है, तो लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये पहला इवेंट होता है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा इवेंट, तो दूसरा इवेंट क्या है कि जो सनलाइट, जो एनर्जी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, क्या इनर्जी, कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो सर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, सही बात है। तो यहां पे क्या होता है सेकेंडरी इवेंट में कि आपका जो लाइट एनर्जी है, आपका जो क्या है लाइट एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। तो यहां आप कहोगे कि लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड, लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत ही आसान है कि जो आपका लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। और इसी इवेंट में क्या होता है, एंड दूसरा ही इवेंट ये है, इसमें क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसा कि मैंने आपको लाइट फेज में बताया था, आपको याद होगा फोटोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपका दूसरा इवेंट है, इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये दोनों इवेंट आपका लाइट फेज में ही होता है। तो देखो यहां से एक और क्वेश्चन राइज हो रहा है भाई कि लाइट फेज में कौन कौन सा इवेंट होता है, लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन कौन इवेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि पहला क्या होता है कि सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा इवेंट क्या होता है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और वहीं पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये आपका दूसरा इवेंट है। तीसरा इवेंट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका डार्क फेज से रिलेटेड है, याद रखना। तो यहां पे पता चल रहा है कि डार्क फेज में एक इवेंट होता है क्या, तो रिडक्शन ऑफ, आप यहां पे कर सकते हो रिडक्शन ऑफ क्या, CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया कैसे, तो सर CO2 के रिडक्शन से, CO2 के रिड्यूस होने से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि आपका तीसरा इवेंट है। तो यहीं पे ये फोटोसिंथेसिस का थ्री इवेंट्स खत्म हुआ। मेरे ख्याल से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।